फ्रेंड्स, राज्य सरकार पक्षर आरंभ कर खरीफ धान संग्रह चाषी पंजीकरण केमिति करिवे एवं चाषी पंजीकरण पर डॉक्यूमेंट कौन लगे एवं क्यों चाषी ए पंजीकरण करें फुल डिटेल से वीडियो आधार कहबी से चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स, आम राज्य खरीफ धान संग्रह पर 1 नवंबर 2023 रु 31 मार्च 2024 मध्य परिचालित हेबो। तो फ्रेंड्स, से जो चाषी मैंने रही जाने तुरंत आगुआ पंजीकरण करनी। सूचना और लोक संपर्क विभाग ट्विट कर सूचना देती कि आम राज्य खरीफ धान संग्रह पर 1 नवंबर 2023 रु 31 मार्च 2024 मध्य परिचालित हेबो। जिला माने सेमानन को फसल अमल समय को दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन करिवे। तो एथिपाई चासी माने आगुआ पंजीकरण करबा को आवश्यक सेथिपाई पोस्टर जरिया रे गोदे इन्फॉर्मेशन दिया जाइछि। आपण देखिया पई पाउथिबे कि जो यहा विस्तृत अवधि मध्य जिला माने सेमानन को फसल अमल समय रे दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन करिवे। तो एथिपाई चासी माने सेमानकर निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति बा महिला स्वयं सहायक गोष्ठी पानी पंचायत रे पंजीकरण करिबा आवश्यक। तो पंजीकरण प्रक्रिया केमिति आपण पंजीकरण करिवे ना चासी पंजीकरण 15 जुलाई रु आरंभ हेउची। खरीफ धान चाष करितिबा चासी चाष पंजीकरण कार्यक्रम रे भाग नै परिबे। चलित वर्ष नवीकरण पद्धति उच्छेद करा जायची, अर्थात विशद विवरणी सह दरखास्त करी चासी समिति रे नूतन भाबे पंजीकरण करिबा निहाती आवश्यक। समस्त आग्रही चासी निकटस्थ समिति रु गोटिए नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करिबे ओ ताहा मध्ये फिलअप करिया पई पड़िबो। एटा को 15 रु 16 जुलाई अगस्ट मध्य फिलअप कर समिति कार्यालय आवेदन करिबे। एही विभाग वेबसाइट www.foododisha.in रे मध्य उपलब्ध अछि। नुआ फॉर्म रे समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह चाष होइतिबा जमीर विशद विवरणी आपनकु दबा पई पड़िबो। तो तुरंत आपण ए सब फॉर्म टिकु आणिकि बा आपण फूड ओडिसा रो डाउनलोड करके फिलअप करके समिति रे डिपॉजिट कर देबे। डॉक्यूमेंट कौन कौन लागिवो ना बैंक पासबुक रो प्रथम पेज, तापर चाष जमी रे जो प्रमाणपत्र अर्थात पट्टा जो आर ओ आर, ता सहित आधार कार्ड रो जेरॉक्स, मोबाइल नंबर जदि निजर मोबाइल नंबर न थाए तबे परिवार जे कोनोसी सदस्य को नंबर देबा पई पड़िबो। जदि भागचाषी होइथांदि तेबे संपृक्त जमी मालिक सहमति पत्र गोटे आपण बनेबे, आधार कार्ड नकल इत्यादि आपण को दबा पई पड़िबो। तापर पंजीकरण अवधि केते दिन ना पंजीकरण फॉर्म पूरण करी चासी माने समिति कार्यालय रे 16 अगस्त मध्ये रे दाखल करिया पई पड़िबो। निर्धारित समय रे जथेष्ट पूर्वरु चासी मानकु समिति रे पूरण करायथिया फॉर्म दाखल करबा को अनुरोध। खरीफ धान संग्रह संक्रांत रे केउ मास ओ पक्षरे धान विक्रय करिवे ताहा पंजीकरण फॉर्म रे उल्लेख करिवे। तो जो एथिरे उद्देश्य चासी माने विगत वर्ष जे समिति रे पंजीकृत होइतिले सेठारे संपर्क करिवा आवश्यक। चासी माने शेष तारीख को अपेक्षा नकर शीघ्र पंजीकरण पई समिति रो अनुमोदित फॉर्म रे दरखास्त करबा को अनुरोध। तो फ्रेंड्स, आपण तुरंत फॉर्म टी को फिलअप करके आपण को समिति रे डिपॉजिट कर दिंतु आगुआ। तो भाग चाषी पंजीकरण प्रक्रिया ने नियम मते अंशग्रहण करें क्षुद्र और नाममात्र चाषी ए अंतर्भुक्त हो पारे ना अधिक रु अधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी मैंने धान संग्रह व्यवस्था अंतर्भुक्त होगा सरकार एकांत इच्छा। समितर कौन कौन दायित्व रहा धान विक्रय इच्छुक चाषी मानक नूतन पंजीकरण फर्म प्रदान करेंगे। समिति कर्मकर्ता पंजीकरण फर्म तथ्य को 18 जुलाई रु 22 अगस्त मध्य लॉगिन रे डिजिटल करिवे। डिजिटलाइजेशन कार्य सत्यनिष्ठा और निर्भुल होगा आवश्यक। तापर धान विक्रय उद्देश्य चाषी अनुपयोगी जमी बा अणधान चाषी होइतिबा जमी को केबे हेले पंजीकृत करिवे नाही। अणचाषी और भूल तथ्य प्रदान करथिबा चाषी को पंजीकृत करिवे नाही। पंजीकरण यथाशीघ्र होई त्रुटिशून्य चाषी तालिका प्रस्तुत होगा आवश्यक। यह विलंबित हेले अन्यान्य आनुषंगिक कार्य विलंबित हेबो। ता सहित हेल्प डेस्कर व्यवस्था मध्ये करा जाय छि। समिति कर्मकर्ता माने फॉर्म पूरण पई चाषी मानक आवश्यक सहायता जोगे देबे। एथिनिमते एक उत्सर्गीकृत हेल्प डेस्क समिति स्तर रे कार्य करिवो। हेल्पलाइन ना जदि कोनोसी अभिजोग थाए तबे देवमुक्त नंबर
1967 रे सरकारी कार्यनिर्घंट मध्ये आपण जोगाजोग करिवे जदि किछि प्रॉब्लम थाए त फ्रेंड्स तुरंत आपण चासी पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करके आपण पंजीकरण करै नियंतु। त फ्रेंड्स जदि वीडियो डी भल लागिसि तबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नाही।